जेपी सिंह नहीं। फिर आज सिपाही से का क्या मतलब है? इसकी ड्यूटी कौन सी कम है? आज बॉर्डर के ऊपर सारी देखो तो सारी इन्फेंट्री खड़ी है, आरआर खड़ी की है, तब जाकर के दूसरों को मौका मिला, नहीं तो बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल पिन पॉइंट के ऊपर खड़े जो है पूरी की पूरी इन्फेंट्री खड़ी है, और इन्फेंट्री का सोर्सेज कैसे कम हो सकता है? उसको बाई या जेड ग्रुप में रखने का क्या मतलब है? उसके काम को देखा जाए, हम तो कहते हैं कि काम को देखा जाए। और ऑफिसर जाकर कहता है ऐसा, 13 साल के बाद कोई ऑफिसर लड़ाई नहीं लड़ता है, 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है, वो सीईओ था, लेकिन आज अगर वो सीईओ नहीं है तो 2IC है, और 2IC कभी लड़ाई में शामिल नहीं होता। मैं लड़ाई में शामिल हुआ, मुझे पता है कि 72 आदमियों को लाइन में आगे जाकर अटैक होता है और कंपनी मॉडल से पीछे होता है OR के ऊपर। ये PBR बोर्ड बनाने वाला बिलाड़ी कौन अफसर है? अफसर बिलो रैंक, ये सबसे गद्दार आदमी वो है, और गवर्नमेंट को पकड़ के इन लोगों को सजा देनी चाहिए। अस अपने टाइम से दिखा कि एक कंपनी कमांडर भी एक सिपाही कन्ने मिली है रिंदा, बड़ी अच्छी फौज चली, फौज के काम तो करने ही होंगे आर्डर उपर भी बड़े अच्छे काम चलते रहे, लेकिन अज का अफसर वो ये चीज नहीं सोचता। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है एक रैंक के बंदे चाहे वह 20 साल पहले का आता चाहे 2 महीने पहले का आता उनकी प्रॉपर पेंशन, लेकिन अज भी तुम देखो तो अज भी बराबर नहीं है उनकी पेंशन च, अज भी वेरिएशन है। उसके बाद असें कट्ठे होने की जरूरत क्या पे है? साड़ा हक नहीं मिलिया, असं अपने हक आस्ते कट्ठे हुए हैं। तो मेरी सारे के गुजारिश है जिसलै भी कोई फोन कुतों आंदा। मैं कैप्टन बलवीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सेस मैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी जो स्पेशल मीटिंग है और ये खास करके जो दिल्ली में जंतर मंत्र पर हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, एक्सेस मैन बैठे हुए हैं, ये खास करके उन्हीं की डायरेक्शन थी, और उन्हीं की डायरेक्शन के ऊपर ही हम लोग 3 तारीख को जहाँ पर अपना प्रोग्राम रखा हुआ, उन लोगों ने तो 70 दिन से ऊपर हो गया, और 2-3 बार हमने भी जो अपनी जहाँ कॉन्फ्रेंस कर दी 3 को की है, 9 को की है, और अभी 30 को आज प्रोग्राम रखा हुआ। हमारा भी यही मेन मकसद है कि हम लोग कम से कम जंतर मंत्र पर तो नहीं पहुँचे, पर जहाँ से उनको सपोर्ट करें, और अगर ऐसी स्थिति आई, गवर्नमेंट ऐसी सोचती है तो हम भी अपना डेरा डंडा जहाँ से उठाकर 400-500 आदमी लेकर बसों के जरिए वहाँ पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर अपना डेरा डंडा लगा लेंगे, और फिर गवर्नमेंट को देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि हमारी वन रैंक वन पेंशन को रिविज़न करो। ये जो वन रैंक वन पेंशन पार्ट 1 इन्होंने रखी थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, लेकिन जो वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 रखी है उसमें से इतना ज़्यादा वेरिएशन कर दिया कि हायर अफसर जो है वो हायर पोजीशन पर ले गए हैं, और JCOR को इस तरीके से इन्होंने सत्यानाश कर दिया उनका कि उनकी पेंशन माइंस में कर दी है। ये कौन सा ज़माना आया अभी कि आर्मी सेक्शन निकालने के बाद 250-250 पेज के आप वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 निकाल रहे हो, और उनके ऊपर जो हालात हैं वो माइंस में जा रहे हैं। नायब सूबेदार को देखिए, सूबेदार को देखिए, सूबेदार मेजर को देखिए, आर्मी लेफ्टिनेंट को देखो, आर्मी कैप्टन को देखो, सिपाही से लेकर वो आलदार, इन्होंने थोड़ा सा वेरिएशन डाला, पर लेफ्टिनेंट जो कमीशन है वो लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक उनका वेरिएशन देखो कितना है। यही हाल इन्होंने डिसेबिलिटी के ऊपर रखा, यही हाल इन्होंने MSP के ऊपर रखा, और यही हालत जो है हमारी। सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए हमारी जो लड़ाई है, लड़ाई तो नहीं बोलूँगा मैं, हमारा जो ग्रीवेंसेस हैं हमारे एक्सेस बैंड के वीर नारी के, नारी के जो भी हमारे शहीद हैं, जो बच्चे जिन्होंने देश के प्रति बिगर सैक्रीफाइस गिवन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री इट्सेल्फ,
उनका रिजर्विस्ट भाई, हमारे रिजर्विस्ट जो आए थे 65-66 में चोट से लेकर बाद, ऐसे ऐसे इंटेक्चुअल लोग थे वो, लेकिन उनको रिजर्व भेजा गया। लेकिन उसके बाद उनकी किसी ने नहीं पूछा कि क्या है, उनकी वही की वही पेंशन है जो उनको उस वक्त दी गई थी। अभी MSP के ऊपर है कि MSP कोविड डिसबिलिटी के ऊपर, जैसे हमारे माननीय मेरे भाई कैप्टन ताराचंद साहब, मेरे वाइस चेयरमैन साहब ने बड़ी विस्तारता के साथ बोला है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, तो मेरी दरख्वास्त है कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम देश की एक दीवार हैं, अभी भी दीवार हैं, दीवार तो थे भी अभी भी है, क्योंकि हमारी मानसिकता जो है वो वही है जो थी, जो पहले थी भर्ती के टाइम, वो अभी भी वही है, वही हमारा जज्बा है, वही हमारी, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री वी वुड लाइक टू इवन सैक्रीफाइस एवरीथिंग। लेकिन जब हमारे साथ इस किस्म का भेदभाव होता है तो बड़ा दुख होता है, जैसे कि ग्रीवेंसेस आपने सुने ही हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मेरी दरख्वास्त रहेगी, इल्तिजा रहेगी, निवेदन रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं उनको, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, सभी को एज ए एक फौजी भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं उनको दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इन बातों के ऊपर ध्यान किया जाए, जे कोई इसको साधारण नहीं लिया जाए।